चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियो कंटेंट में डाल दिया था जो कि एक सवाल था। उसके अंदर हमने क्या सीखा था? प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ठीक है ना। 8.20 आपका इलस्ट्रेशन था। आज एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का नहीं, जो हमारा प्रोसेस का, इसके बाद हमारा प्रोसेस में स्टार्ट होगा लास्ट टॉपिक, जो कि है WIP, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे मिलेंगे ना, सारे PDF में मिलेंगे और इन क्वेश्चंस को आपको करना है। देखो, ये वाला जो सवाल था ना, मैं बच्चों को दिखा भी दूं, जो हमारा सवाल कौन सा करवाया था लास्ट क्लास में, जो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डन करवा चुका हूं। मैंने डाल दिया था पूरी वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो ये वाला मैंने डन कर दिया है पूरी वीडियो, तो ध्यान दें। जिन बच्चों ने शायद ना ध्यान दिया हो तो आप जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये पूरा हो चुका है। सर आज क्या कराओगे? आज ये वाला सवाल करेंगे। बड़ा सवाल है लेकिन है इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, है इंटरेस्टिंग। वॉइस आ रही है ना आप सभी को? एक बार ओके कर दीजिए। वॉइस सर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक बार ओके कर दीजिए, वॉइस क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अच्छा हाँ, मैंने थोड़ी जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी है आज। मैं 7 बजे का शेड्यूल लगाना भूल गया था। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चे आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए चलिए, कोई बात नहीं। शेड्यूल 7:30 का लगा था तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं बड़े अच्छे से और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं एक चीज पहले बता दूं कि ये सवाल आपके नॉलेज को एनहांस करेगा। इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज को टेस्टिंग किया जा रहा है कि आपको कितना समझ में आता है और कितना आप कर सकते हो। देखिए, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ, क्या कहता है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेस ए बी और सी। सर इसका मतलब 3 प्रोसेस है। इट इज अ सर्टेन एक्सपर्ट आपका एक्सपीरियंस दैट वेस्टेज, और इसने अपने अनुमान के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रखा है कि भैया प्रोसेस ए के अंदर ना 2% का नुकसान होता है, बी में 5% और सी में 10%। कहता है द परसेंटेज वेस्टेज ईच प्रोसेस कंप्लीट दैट बेसिस नंबर ऑफ यूनिट प्रोसेस कंसर्न। जितने नंबर ऑफ यूनिट आपका एंटर होगा उसी का परसेंटेज वेस्टेज होगा, जितना एंटर होगा उसका वेस्टेज होगा। कहता है द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस स्क्रैप वैल्यू, द वेस्टेज ए एंड बी 1 रुपए के हिसाब से बिकेगा एंड सी का बिकेगा 4 रुपए के हिसाब से। बड़ा बेसिक सी चीजें चल रही है अभी तक, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 9 पॉइंट, ठीक है अभी देख लेते हैं, कर लेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। The company give you following information, और क्या information देता है? कहता है 2000 unit crude material introduced, crude sir ये ना तेल, कच्चे तेल को कहते हैं, तो इसमें मत समझना सर इसका मतलब क्या है, ये मान लेते हैं यूनिट है। 8 रुपए के हिसाब से 2000 unit हम प्रोसेस ए में लगाएंगे। बिसाइड द फॉलोइंग, इसके साथ साथ प्रोसेस ए के अंदर हमारा मटीरियल यूज, लेबर, एक्सपेंस, और प्रोसेस ए से हम सिर्फ और सिर्फ 1950 यूनिट निकालने में कामयाब है, और प्रोसेस वन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग यूनिट भी है। यही एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे ये सवाल करवाना पड़ रहा है। यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये सवाल कर रहे हैं। अभी तक जितने भी सवाल किए किसी में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का फंडा नहीं आया था, ठीक है। तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग इसमें आ गया, इसलिए हम कर रहे हैं ये। चलिए सर, मैं अकाउंट फटाफट से बना लेता हूं। सर इसमें थोड़े नंबर ऑफ अकाउंट ज्यादा बन सकते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो मैं फटाफट बना के दिखाता हूं कितने बनेंगे। एक प्रोसेस, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, 3 ही है तो छोटे छोटे प्रोसेस बनेंगे।
आप भी मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लीजिए, है ना, यहां पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, चलिए सर पहला दो प्रोसेस, चलिए सर तीन, कोई बात नहीं। अब मजे की बात है, ये बनेगा हमारा प्रोसेस कौन सा ए, और ये बनेगा प्रोसेस ए का स्टॉक, यानी सर इस स्टॉक के लिए हम एक अलग से अकाउंट बना रहे हैं। फिर हमारा बनेगा प्रोसेस बी, अब एक बनाना पड़ेगा प्रोसेस बी का स्टॉक, तो हमें अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा किसी हाल में। ओहो, फॉर्मेटिंग अच्छी रखनी है आपको। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, ठीक है। चलिए सर एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया। प्रोसेस बी का स्टॉक अकाउंट, बी का स्टॉक, प्रोसेस सी और प्रोसेस सी का स्टॉक, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस कह लो, नॉर्मल और एबनॉर्मल देखिए बड़े सिंपल से हैं। आप ना कुछ बच्चे ना ये जज बिल्कुल भी ना करें कि इसके अंदर नंबर ऑफ अकाउंट ज्यादा है तो सवाल मुश्किल होगा, वो फिर उनका अजम्पशन गलत है। मैं कहूंगा ये सबसे आसान है, अभी तक जितने आपने कॉन्सेप्ट किया बस फिलिंग करना है और एक एक दो दो अमाउंट आना है, बस आपको पोस्टिंग आना चाहिए, ठीक है। सी और स्टॉक दो अकाउंट, आप समझिएगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये काम करना है ये रहेगा। तो सीधी सी बात है, जब कभी भी आपको क्वेश्चंस के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन हो तो आपको एक स्टॉक अकाउंट बना लेना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन सर एक क्वेश्चन याद आ रहा है जहां पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, अगर आपको याद हो तो सर ऐसा तो वहां पे तो आपने नहीं बनाया था। मैं तो देखो सारी चीजें लेके चलता हूं ताकि आपको ना जिनको नहीं भी याद हो उनको भी याद आ रहा था कि हाँ था तो सही, जहां एक रुपए के हिसाब से बेचा था जहां तक मुझे याद आ रहा है। कहां गया भैया, कहां गया, एक मिनट, आगे तो नहीं गया, ये रहा। अब यहां पे भी स्टॉक है 1 जुलाई 31, लेकिन यहां पे जो स्टॉक है ना वो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं है, कहां से हमारा पहला डिफरेंस, ये हमारा सेकेंड ईयर से स्टार्ट है। और यहां पे आपका क्लोजिंग स्टॉक इसी में बच रहा है, यहां पे हमने स्टॉक अकाउंट नहीं बनाया था। ऑल्दो जो पिछला क्वेश्चन होगा ना उसमें भी आप बिना स्टॉक अकाउंट बनाए भी कर सकते हो, बिना स्टॉक अकाउंट
बनाए भी कर सकते हो, लेकिन पहले हम स्टॉक अकाउंट बना के समझ लेंगे और फिर मैं यहाँ पे आऊंगा आपको डिफरेंस बताने के लिए। सर क्या फर्क था जो यहाँ पे स्टॉक नहीं बनाए? जिन बच्चों की पहली क्लास है, मैं कहना चाहूंगा उन बच्चों से कि आपको ये क्लास नहीं समझ में आएगी बिकॉज ऑफ कि ये क्लास काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। हाँ, एक दो टॉपिक और है, दो क्लासेस का दो टॉपिक और है, उसके बाद नए टॉपिक में जुड़ जाएंगे। आप पुराने रिकॉर्डेड वीडियो देख के अभी कंप्लीट कर सकते हैं, जो डाउट होगा उसके लिए तो है ही है। चलिए सर, अब आ जाते हैं एंट्री करने पे, ठीक है ना? एंट्री करते हैं हम फटाफट से। सर एंट्री करो। ओके सर, टू इनपुट। प्रोसेस ए में 2000 रुपए लगाया और 8 के हिसाब से कितना? 16000। इसके बाद मटेरियल, मटेरियल कितना? 8000। इसके बाद लेबर, सर 12000। इसके बाद एक्सपेंस 2000। इसके बाद स्टॉक ओपनिंग, तो यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक कितने? 200। बट समझने वाली बात है कि सर ये 200 जो है ना, ये 200 हमारा क्या है सर? 200 सिर्फ यूनिट है, नंबर रुपीस नहीं है। रुपीस हमें खुद पता करना होगा और बाय साइड में आ जाएगा बाय क्लोजिंग 150। ठीक है, पहला प्रोसेस पहले डन करेंगे। यहां पे इसने कह दिया स्टॉक वैल्यूएशन 1 जुलाई को वो वैल्यूएशन होगा 1 रुपए यूनिट के हिसाब से। तो सर लो, ये तो पता चल गया। समझे बात क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में आई बात आपको कि जो 1 जुलाई को वैल्यूएशन होगा वो कितने रुपए के हिसाब से होगा? सर 1 रुपए के हिसाब से होगा, जिसको मैंने यहां मार्क कर दिया है। स्टॉक ऑन 31 जुलाई 2000 आर वैल्यूड, अज्यूम, कहता है कि जो 31 जुलाई को हमारा जो 2000 तो है ही नहीं, 31 जुलाई आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट शो बाय द मंथ प्रोडक्शन प्रिपेयर कॉस्ट शीट। सॉरी, ये तो ईयर है, मैं 2000 यूनिट समझ रहा था। 31 मार्च का जो भी आपका, यानी ये वाला जो भी स्टॉक का वैल्यूएशन होगा, जितने रुपए में यहां बन के तैयार होगा उसी रेट का वैल्यूएशन होगा। अब देखो ना, हमारे तीन मेथड होते हैं, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, स्टॉक में आपने सुना होगा। तो हम यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं? देखो, हम क्या कर रहे हैं कि हम जो स्टॉक बचा रहे हैं ना, वो नए वाले में से बचा रहे हैं। यानी इसका कहने का मतलब है, इसकी जगह पे एक शब्द को इस्तेमाल कर सकता था, नए वाले स्टॉक को बचाना है। नए वाले स्टॉक को बचाने का मतलब कौन सा मेथड लगेगा? फीफो। कौन सा मेथड लगा रहा है ये? फीफो। अगर ये फीफो वर्ड का इस्तेमाल कर ले एग्जाम के अंदर तो घबराना नहीं है, मैं अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, देखते जाओ बस आप। मैं अप्लाई करके डेफिनेटली दिखाऊंगा आपको, फटाफट से चलिए आइए। टोटल यूनिट कितने हो गए सर? 2000, और इसका खर्चा कितना हो गया? 18, 6, 24, 24 और 12, 36 और 2, 38। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। बाय नॉर्मल लॉस निकालते हैं सर, कितने परसेंट बोला है? 2%, दैट इज हमारा कितने? 40। 2% 40, कितने रुपए के हिसाब से बिकेगा? 1, तो कितने का बिक गया? 40। तो सर अगर ध्यान से देखो आप, तो सर यहाँ पे 2000 यूनिट था और आपके 40 नुकसान हो गए, तो 1960 बनना चाहिए, लेकिन सवाल कहता है 1985 बने। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस, कितने यूनिट है? 10 यूनिट है। कितने यूनिट है एबनॉर्मल लॉस? 10 यूनिट है। 10 यूनिट का हमें रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट, वही जो सिखा रखा है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 38000 माइनस में नॉर्मल लॉस 40 डिवाइडेड बाय आपका 2000 माइनस में 40। आप बता दीजिए रेट क्या आया? 19.36 आपने रेट बता दिया, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19.36 से, जो कि आ जाता है हमारा 193 रुपए। 6 को हटाइए और अब बचेगा बाय। अब जो भी स्टॉक बचेगा वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे सर? डायरेक्ट यहां आ जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएगा। तो हमारा किस में आ जाएगा? नेक्स्ट प्रोसेस नहीं, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा सर। कितने चला जाएगा? 1950। डिफरेंस ले लो आप, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सर अगर 38000 में से 40 माइनस में 193, तो ये 37767। ये ना थोड़ा बहुत ना फर्क आ सकता है, 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए तक का फर्क आएगा आपका। तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि भैया इतना सारा फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पॉइंट को, फ्रैक्शन को इग्नोर किया है।
इसका आप देख लीजिएगा, बस सभी बच्चों से एक यही है कि मेरे टोटलिंग को थोड़ा चेक करें, जो आप टोटलिंग बताते हैं मैं लिख देता हूं कई बार, तो उसको आप चेक करते रहिएगा लाइव क्लास में। जितने भी बच्चे ज्वाइन है वो फटाफट से देख लीजिएगा, सर इसमें स्टॉक अकाउंट क्यों बनाया, इसका मैं आपको जवाब दूंगा थोड़ी देर बाद दूंगा मैं, इसमें स्टॉक अकाउंट क्यों बनाया गया है, ठीक है ना, इसका मैं जवाब दूंगा थोड़ी देर बाद। चलिए सर, यहां पे आ गया टू प्रोसेस, कहां से आया ए से, कितने आ गए 1950, कितने का 67, ठीक है। अब सर क्वेश्चन रेज होता है यहां पे कि सर आपके पास, ध्यान दीजिएगा यही करता हूं, आपके पास 200 यूनिट था और 1950 बनाया, मतलब क्या समझे सर, 2150 यूनिट आपके बन चुके हैं और आपने कहा कि मैंने 150 बचा लिए हैं, मैंने 150 बचा लिए हैं सर, बचा लिए हैं मैंने 150, तो इसका मतलब आप अगले प्रोसेस में भेजने के लिए तैयार कितने हो, 2000 यूनिट आप सेंड कर दोगे सर, कहां सेंड कर दोगे आगे, तो बाय साइड में आ जाएगा, बाय बाय आपका आ जाएगा यहां पे प्रोसेस बी, कितने यूनिट 2000 यूनिट, और रेट जो रहेगा ना इसका सर, जो रेट आपने यहां निकाला है ना, इसी रेट से मल्टीप्लिकेशन होने वाला है सारा का सारा, तो 2000 इंटू में 19.36 38720, ऑल्दो देखो यहां पे 38720 और इसका भी रेट यही रहेगा आपका, या फिर इसका आसान तरीका फिर भी फर्क आएगा, अब मैं करके दिखा दूं ताकि आपको भी पता चले। अरे क्या हो गया सर, ये 2150 और 37967 और 2150 और 37967, अब डिफरेंस जब लेंगे ना तो कुछ और ही अमाउंट आ रहा होगा सर, मैं अगर डिफरेंस लू, ये कैसे हुआ, ये ज्यादा क्यों आ रहा है भाई, और ये गलत, ये 200 यूनिट है 2000 है, तो ये मैंने गलत कर दिया, 2000 तो सही करा है यहां, एक बार चेक करना बुक के अंदर का है, शायद मिसप्रिंट हो गया हो, ₹1 वैल्यूएशन जा रहा है, क्या जा रहा है, ये वैल्यूएशन ₹1 पर, हाँ ₹1 ही है इसका, तो ये यहां पे देखो ना नीचे 1 लिखा है 19 लिखा है, अच्छा अच्छा फिर गड़बड़ कर दिया, ये डेट है सर जुलाई 1 को स्टॉक वैल्यूएशन एज पर यूनिट यहां दे रखा है, अरे कहां देख लिया हमने, कहां देख लिया भाई, ये होती है गलती, देखो दे रखा था, बच्चे ने कमेंट में दिया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ₹19 बोल रहा है वो, कितने 38, अब ठीक हो गया ना, तभी को ऐसे कैसे कहानी गड़बड़ हो रही है हमारी। चलिए सर 37767 प्लस 3800 41567, अरे मैं 45 क्यों देगा, 41567 सर, यहां भी 41567, ठीक है डिफरेंस ले लेते हैं 38720, दैट इज 2847। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका रेट कैसे, डिफरेंस लेंगे कि नहीं, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 19.36 से, जबकि आप जब 150 को मल्टीप्लाई करोगे ना 19.36 से, तो ये देखो आ रहा है ₹2904, ठीक है ना, 2900 क्या आ रहा है हमारा 4, तो डिफरेंस आएगा, या तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर कवर करिए या इसको बैलेंसिंग फिगर करिए, आप बुक से भी कई बच्चे चेक करते हैं आंसर, मैं जानता हूं, तो ये फर्क आएगा 100 से 150 का, तो उसमें बुरा नहीं मानना, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है आंसर, वो पॉइंट के डेसिमल के वजह से हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे डालेंगे टू प्रोसेस ए स्टॉक, ए के स्टॉक से आए 2000 और 38720, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या लगेगा सर, फिर से लगेगा मटेरियल, कितने मटेरियल 3000, और क्या लगेगा सर, लेबर लगेगा कितने, और क्या लगेगा सर, एक्सपेंस लगेगा कितने 1000, और क्या लगेगा सर, अब यहां आउटपुट बता रखा है
सर इस प्रोसेस का भी देखें ना, मजे की बात, तो इस प्रोसेस का भी बता रखा है भैया, तुम्हारा नॉर्मल लॉस जो हम बता रहे हैं ना वही होगा। तो नॉर्मल लॉस देखो 5% है, तो 5% होता है 2000 का 100, और इसको बेचना 1 रुपए से है तो 100। तो कायदे से देखा जाए तो आपने 2000 यूनिट को लगाया है और जिसमें से आपका 100 का नुकसान हो गया, दैट इज 1900 तो आपका बचना चाहिए। लेकिन सवाल क्या कहता है, 1925 है सर, इसका मतलब सर यहाँ पे गेन हो जाता है हमारा एबनॉर्मल गेन, और कितने का, 25 यूनिट का। तो इसका मतलब हमारा बाय प्रोसेस या बाय स्टॉक लिख देते हैं, बाय स्टॉक अकाउंट, स्टॉक बी के अकाउंट में कितना जाएगा हमारा 1925, ठीक है ना। अब हमें एक रेट निकालना पड़ेगा। यहां तक जिस बच्चे को डाउट है, जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, बताएंगे मुझे, फिर मैं समाधान आगे लेके चलूंगा। मैं थोड़ा पॉज करके भी एक बार टोटल कर लूं और फिर इसको टोटल के बाद आप सभी से इसके डाउट पूछ लूंगा, ठीक है सर। रेट निकाल लेते हैं, इसका रेट नहीं, मैं यहां लिख के दिखाऊं ना बच्चों को, 38720, 3000, 8000, 1000, सर 50720। हमने इसको टोटल कर लिया, इन सबको टोटल कर लिया, ठीक है ना। तो 50720 माइनस 100, यही सही लिख रहा हूं ना मैं, डिवाइडेड बाय 2000 माइनस में 100, क्या रेट आया था, माइनस 100, अरे 50720 माइनस 100 और डिवाइडेड बाय 1900 है ना, 26.64, 26.64 यानी, ठीक है, 26.64। तो सर अब हर किसी को मल्टीप्लाई कर दो 26, इसको पहले तो 25 को कर देते हैं, इंटू 25, सर ये आ गया हमारा 666। अब 660 भी हो सकता है अगर मैं राउंड फिगर ले लूं तो। तो सर ये 2025 और 38720, 3000, 8000, 1000 और 666, 51386, सर 2025 और 51386 माइनस कर देते हैं 100, तो सर इसका आ गया 51286। इसमें भी फर्क आ सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक बताइए किसको समझ में नहीं आया, सर वेडनेस की क्लास रिकॉर्डेड अपलोड नहीं हुई है, नहीं हो चुकी है अंशु आपका, मैं फिर भी चेक करवा लूंगा, सभी के डाल चुका हूं मैं, आप जाके देखेंगे क्लासेस हो चुकी है अपलोड। सर इसमें स्टॉक अकाउंट क्यों बनाया, अक्षत मैं आपको क्लियर करूंगा अभी, नेहा मेथड ऑफ कॉस्टिंग मिल जाएगा प्रोसेस अकाउंट से, मेथड ऑफ कॉस्टिंग में मिल जाएगा प्रोसेस अकाउंट, बिल्कुल। किसी ने पूछा था 10 ईयर में प्रोसेस अकाउंट क्वेश्चन कौन से यूनिट का है, हाँ चलेगा भाई, फ्रिक्शन हम लेके चल रहे हैं, कहाँ पे, कहाँ पे, हाँ तो आप पूरे में तो लोगे तो देखो अमाउंट ज्यादा है तो आ जाएगा फर्क, मैं मना नहीं कर रहा। चलिए किसी बच्चे का डाउट है तो आप बताइए कि इसमें सर डाउट है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी का भी डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है ये, और कुछ बच्चे ना प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चे ना कई बार मेरे से सवाल पूछते हैं, सर ये ऑनर्स में आएगा, सर ये प्रोग्राम में आएगा, तो भैया मैं कहूंगा कि कर लीजिए, जब तक आपको समझ में आने लगे ना, समझ में आता रहे तो आप कभी मत बोलिए कि सर आएगा नहीं, आप सीखने के लिए आए हो, ठीक है किसी का डाउट बताइए या आगे मैं बढ़ जाऊं, क्या ठीक मानेगा। देखो इसके अंदर जब फ्रिक्शन का पॉइंट है तो एग्जामिनर वो सब कुछ मतलब के पता है कि फ्रिक्शन की वजह से उसका ऊपर जा रहा होगा, एग्जैक्ट आंसर कभी किसी का नहीं आता। सर लास्ट वाला दोबारा बता दो, लास्ट वाला दोबारा, निधि कह सर लास्ट वाला बता दो, लास्ट वाले में मैंने क्या बताया, ये तो देखो 2000 यूनिट यहां से उठ के आया और सारे खर्चे हमने डाल दिए, फिर ना हमने जब कैलकुलेशन किया कि भैया 2000 में से 100 नॉर्मल लॉस हो गया तो 1900 तो हमारा खत्म ही हो जाता है सर। हाँ स्टॉक बनेगा ना अभी 1900, अगले पेज पे बनाएंगे 1900, लेकिन सवाल कहता था 1925, तो यहां से हमें आइडिया हो गया कि सर गेन हुआ है। तो गेन का मैंने क्या करा, पहले रेट निकाला, मल्टीप्लाई करा और कर दिया।
इसका स्टॉक अकाउंट बनेगा, ये देखो मैंने स्टॉक में 1925 को ले जाते हैं, लेकिन स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक सर, है ना, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक और फिर टू प्रोसेस बी। ओपनिंग स्टॉक कितने का था, सवाल पीछे जाना पड़ेगा, और ओपनिंग स्टॉक 300 और क्लोजिंग 400, तो सर 300 और यहाँ पे बाय क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक का ना सवाल में रेट दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक का देखेंगे तो सवाल में रेट गिवन है सर, कितने रुपए, 27 रुपए। तो आप 300 को 27 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 8100 रुपए, ठीक है ना। और प्रोसेस बी से आया था हमारा कितना, 9025, कितने आ रहे हैं भाई, 1925, 1925 और 81, एक मिनट, 51 2। बुक से नहीं देख के बताना भाई, जो मेरा आंसर है वो बताएंगे। हाँ वो करवा देंगे 16, कोई बड़ी बात नहीं, अभी कर लेते हैं, बिल्कुल। चलिए सर अब हमें अगले प्रोसेस में भेजना है, तो अगले प्रोसेस में कितना जाएगा नहीं पता सर, क्यों, क्योंकि आपके पास टोटल कितना है, ये हिसाब लगाइए, ये टोटल कितना है, 19 और 3 2125, टोटल कितना है सर 2125, जिसमें से 400 तो बचा ही लिए, तो अगले प्रोसेस में बाकी जाएगा। प्रोसेस सी कितने, 2200, ये लो 2225, 400 बचा लिए तो 1825, ठीक है। अब सर इसका रेट क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो रेट आपका यहां पे आया था उसी रेट से जाएगा, जो कि आपने निकाला था क्या 46 पॉइंट, क्या निकाला था कुछ 26.64 इंटू में 1825, 48618, 48618। अब डिफरेंस ले लेंगे कोई बात नहीं, 8100, 8100, 51286, 59, 386, 59386 माइनस 48618, अरे क्या आ गया, 10768 सर, ठीक है। अब सर ये वाला ना प्रोसेस सी में जाने के लिए तैयार है, दैट इज यहां पे प्रोसेस बी, 1825, 48618। अब फिर से लगेगा टू मटेरियल 2000, लेबर 6000, एक्सपेंस 3000, और नॉर्मल लॉस जो है ना इसमें 10% है, 182.5 आ रहा है, तो मैं 182 ले लूं या 183 ले लूं फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा, 4 रुपए के हिसाब से दे रखा है आपको, तो 182 इंटू में 4, ये बिक गया 728। अब हम हिसाब किताब बनाते हैं सर, 1825 यूनिट डाले थे जिसमें से 182 तो चले ही गए, तो 1825 में से 182 चले गए, तो 1643 यूनिट बन के तैयार होना चाहिए, लेकिन सवाल क्या कहता है, यूनिट बन के जो तैयार हुआ 1590, इसका मतलब और कम बना है हमारा, तो भैया 1590 ही बनाने में कामयाब हुए, तो इसका मतलब देखा जाए तो सर 53 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, तो 53 यूनिट एबनॉर्मल लॉस, 53 यूनिट। अब इसका रेट निकालना पड़ेगा सर, सर रेट निकालिए, रेट क्या होगा, टोटल करते हैं पहले, 48618, 2000, 6000, 3000, 59618, 59618, 59618, 1825, 1825, ठीक है ना, माइनस कर लेते हैं यहां से, और जो होगा हम यहां पे देख लेंगे, तो ये आ गया हमारा 59618 -728 डिवाइडेड बाय 1825, और ये हम पहले सीख चुके हैं इसलिए मैं फटाफट से कर रहा हूं, ठीक है। बताइए क्या रेट आया, 29, 32.19, 19, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32.19 सर, चलिए
32.19 इंटू में 53, ये आ गया हमारा 1706। अब लगेगा हमारा बाय प्रोसेस प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, सर कितने चले जाएंगे 1590 यूनिट, कितने गए 1590 यूनिट, सर कितने का पड़ेगा डिफरेंस ले लेते हैं, 59,618 माइनस 728 माइनस 1706 सर 57,184 57,184 रुपीज। अब सर देखा जाए ना तो प्रोसेस सी के अंदर ना देखो जो तीसरा प्रोसेस है जब हम स्टॉक में जाएंगे तो कहता है इतना ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ये आ रहा है, यहां क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं सर, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं, तो मतलब क्या है सारा हमने बेच दिया। अब यहां पे सेल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिनिश गुड्स का इस्तेमाल करेंगे हम, तो सबसे पहले आ जाओ टू ओपनिंग स्टॉक, कितने हैं ओपनिंग 500 है और उसका रेट भी दे रखा है इनफैक्ट, और टू प्रोसेस सी, प्रोसेस सी से आए हमारे पास 1590, दैट इज आपका 57,184। इसके बाद 18,250, मेरे को क्लोजिंग तो है नहीं यहां पे, ओपनिंग का क्या है 18,250, सर कैसे लिख रहे हो आप ये 18,250, तो यहां रेट जो दे रखा है ना 36.5, मैं उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बार बार, कितने 36.5 कहां गया सर, ठीक है। अब चलिए टोटल करके बाकी का आपकी इच्छा है, इसमें क्वेश्चन में कहेगा कि बेच दिया तो बिक जाएगा पीएनएल बनेगा, अगर बोलता नहीं है कि नहीं बिका है तो हम क्या करेंगे यहां पे, हम लिखेंगे सर यहां पे एफजी फिनिश गुड्स, तो 500 और 15 2090 और 57,184 प्लस 18,250 75 और 75 और ये आ गया 20। नॉर्मल लॉस तो यहां होता है, यहां कब से होने लग गया, ठीक है सर 29 तारीख की क्लास अपलोड नहीं हुई है, मैं भी चेक करा लूंगा, दो बच्चों ने बोल दिया, बाकी मैंने अपनी तरफ से बोला था कि अपलोड हो जाएगी और कुछ बैच में तो मैंने खुद चेक किया था, देख लेता हूं जिन बच्चों को नहीं विजुअल हो रहा वो चेक कर लेंगे, ठीक है। यहां तक कोई समस्या सर, यहां तक क्लियर है, और यहां तक में अब स्टॉक, अब बच्चे पूछेंगे सर इसमें स्टॉक अकाउंट क्यों बनाया और पिछले में क्यों नहीं बनाया, चलिए आते हैं आपके साथ, आपके सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। ये रहा पहली चीज, यहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का रेट नहीं गिवन, और उस वाले में रेट गिवन था, समझिए बात को, यहां पे रेट है क्या, रेट है क्या, वहां पे ओपनिंग स्टॉक बता रहा है कि 8000 यूनिट इतने से होगा, नहीं, वहां पे हमने रेट वही कंसीडर किया था जो इस प्रोसेस से, देखिए यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ना आपको, ओपनिंग स्टॉक कहां गया ओपनिंग स्टॉक इसमें दे रखा है 8000, तो हमने रेट मान लिया जो यहां से रेट आया होगा वही ले लिया, लेकिन उस वाले सवाल के अंदर आपको रेट दे रखा था इसलिए हमें यहां पे स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ा, क्योंकि हम अच्छे से बैलेंस, अगर रेट दे देता तो कभी मैच ही नहीं होता आपका ये, ठीक है ना, तो इसलिए करना पड़ा आपको, और कोई खास वजह नहीं था उसका करने का। तो चलिए आपको पता चल गया, अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देता है तो कोई लोचे वाली बात नहीं है, स्टॉक अकाउंट जरूरी नहीं बनेगा, लेकिन हाँ उसका रेट दे देना कितने का बिकेगा ये, तो फिर आपको स्टॉक अकाउंट अलग से सेपरेटली बनाना पड़ेगा। अब सर नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात कर लेते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात करते हैं कैसे आएगा, अरे मेरा ग्रीन मार्कर कहां चले गया यहां से, नॉर्मल एबनॉर्मल सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले प्रोसेस में से, सर वन में हमारा ना नॉर्मल लॉस भी है एबनॉर्मल भी है, तो हम नॉर्मल को एबनॉर्मल को कहां लिखेंगे, टू में, टू प्रोसेस ए, और नॉर्मल में भी आएगा टू प्रोसेस क्या आएगा बी ए,
नॉर्मल लॉस कितना था? 40। और कितने रुपए का? 40। एबनॉर्मल कितना है सर? एबनॉर्मल 10,193, 10,193। अब सर प्रोसेस बी की बात कर लेते हैं, यहीं पे पीछे ही है। प्रोसेस बी में एक जगह गेन है और नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है ये, एनएल करते हैं। 100 और 25, 100 और 25। तो सर नॉर्मल लॉस है हमारा प्रोसेस बी से 100 और बिका भी 100। एबनॉर्मल गेन है वो बाय में चला जाएगा, बाय प्रोसेस बी 25 और रेट है 6,6,6। सी प्रोसेस हमारे सामने ही है तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमारा एबनॉर्मल लॉस है टू प्रोसेस सी, कितने लॉस है? 53, 53 और 1706। और यहां पे नॉर्मल लॉस भी है टू प्रोसेस सी, कितना नॉर्मल लॉस है सर? 182 और कितने का? 728। अब सबसे पहले नॉर्मल लॉस अकाउंट को बंद करो, सबको बेच देंगे हम, सबको बेच देंगे मतलब यहां से बेचना है। बाय प्रोसेस ए का बिकेगा कितने यूनिट? 40 यूनिट पूरे बेचो 40 का। बाय प्रोसेस बी का बेचो सर, बी के ना हम पूरे 100 नहीं बेच सकते, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रोसेस के अंदर गेन और लॉस दोनों होगा तो गेन को माइनस करके बेचते हैं। तो यहां पे भैया 100 बेचना था पर 25 तो गेन हो गया, तो हम बेचेंगे सिर्फ 75, और वो भी कितने रुपए का सर? वो भी बेचेंगे कितने रुपए का सर? 75 का। और प्रोसेस सी के अंदर बिकेगा पूरे हमारे 182, ठीक है, और 728। अब यहां डिफरेंस आ जाएगा सर, कितने का डिफरेंस आ जाएगा फटाफट से? 40, 100, 182, ये 322, और ये कितना है? 868। 322, 868। अब डिफरेंस जो आ जाएगा वो चला जाएगा बाय एबनॉर्मल गेन, कितने आए? 25। तो यहां आ जाएगा टू नॉर्मल लॉस, कितने रुपए आ गए? तो ये आ जाएगा हमारा 25 रुपए। इसका डिफरेंस बताइए, 868 माइनस, हाँ, 25 ही आएगा, वही मैं सोच रहा था, ये आ गया 25। अब यहां से जो भी होगा, देखो पिछली क्लास के अंदर मैंने किया था ना, तो इसको भी उठा के मैंने पहले अब नॉर्मल में भेजा था फिर नेट निकाला था। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बुक में तो अलग है, तो अब मैं अलग अलग कर देता हूं। यहां पे लिख देता हूं CPL, यानी प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, मैं शॉर्ट फॉर्म में CPL लिखता हूं। तो 666, 25 और 25, ओहो 666, इसका मतलब होगा यहां से हमें फायदा हुआ। तो कितने का फायदा हुआ? 666 माइनस में 25, 641 रुपए का फायदा है ये। अब नुकसान भी देख लो भाई साहब, आपको एबनॉर्मल जो लॉस है इसको बेचेंगे पहले प्रोसेस ए का बेच दो 10 यूनिट 10 रुपये में, प्रोसेस बी का बेच दो 53 यूनिट 53 रुपये में, नहीं सी है, सी का तो कितने से बिक रहा था? 4 रुपये में। प्रोसेस सी का कितने का बिक रहा था सर? 4 के हिसाब से 212। तो सर अब यहां पे आ जाएगा बाय CPL, ये नुकसान, तो 10,193 प्लस 1706, 8,999, 1900 आ रहा है। हालांकि यहां पे मैंने ये ले लिया, कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें कि सर नंबर कट जाएंगे। तो 63 और 899, और ये कितना आ गया? 77, 78, जो भी आ जाए, ये हमारा पूरा सवाल खत्म हो जाता है। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्लियरिटी दे दिया कि कब आपको स्टॉक अकाउंट बना लेना चाहिए और कब आपको स्टॉक अकाउंट नहीं बनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये वाली चीजें तो आपने पहले से करी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस इसके बाद बनाया जाता है, जो कि हमारा पिछला सवाल जो रिकॉर्डेड अपलोड किया, कुछ बच्चे नहीं कह रहे उनका अपलोड हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का वो भी देखना जरूर है आपको वीडियो। सर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि समझे बोले स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का रेट भी फाइंड करो? नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जहां पे बोलेगा कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग का रेट फाइंड करो, ऑलरेडी आपने पीछे फाइंड कर दे, तो बोलता नहीं है कभी भी।
आप जब कुछ क्वेश्चंस, एक सेम टाइप का मैं क्वेश्चन और दे दूंगा आपकी किताब में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल 17-18 के आसपास, तो वो भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है।